बापू आपने कहा बिल्कुल आप स्वीकार करते हैं, सामने से जो आ रहा है उसे भी स्वीकार करते हैं। आपने जब कथा वाचन शुरू किया, जब आप छोटे थे तो आपकी दादी आपको कथा सुनाती थी, फिर आपने कथा वाचन शुरू किया, लाखों करोड़ों लोगों के जीवन को आपने बदला होगा, उनके सोचने समझने की तरीके को बदला होगा। उस समय में जो कथा थी वो जोड़ने वाली थी, सकारात्मक थी, पारिवारिक थी, सही रास्ता दिखाने वाली थी। कथा क्या है? कथा एक कहानी है और हमारा जीवन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कहानी से प्रभावित होता है, लेकिन आज की जो कथाएं हैं वो आज की कथाएं क्या हैं? आज कथा है वेब सीरीज़, आज कथा है सिनेमा, आज कथा है सोशल मीडिया, और आज की जो कथाएं हैं वो नकारात्मकता से भरी हुई हैं। आज की कथाएं जोड़ती नहीं हैं, तोड़ती हैं, और आपने देखा होगा समाज पर उसका असर। अभी हम तो पत्रकार हैं, न्यूज़ चैनल में काम करते हैं, अभी दिल्ली में एक लड़की की हत्या हुई, 35 टुकड़े हुए उसके, तो कई बार लगता है कि ये खतरा जो है गलत कथाओं का, ये रियल है, ये हमारे सामने है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो घटनाएं घटती हैं, भगवान करे परमात्मा करे कहीं घटनी नहीं चाहिए, ये किस मानसिकता ऐसा काम कर रही है। लेकिन मैं तो राम कथा लेकर घूम रहा हूँ, तो ये जो घटनाएं घट रही हैं किसी न किसी वस्तु के कारण, उसके लिए भी रामकथा बहुत मार्गदर्शन दे सकती है, रामकथा बहुत उपयोगी हो सकती है। केवल रामकथा केवल धार्मिक न समझे, रामकथा मैं कथा के पंडाल में इतने लोगों से कहता हूँ कि ये मेरी धर्म सभा नहीं है, मेरी प्रेम सभा है। धर्म को हमने इतना संकीर्ण कर दिया, तो छोटी बड़ी जो घटनाएं समाज में, अप्रिय घटनाएं, क्रूर घटनाएं, जो 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 बिल्कुल निंदनीय है, ऐसी घटनाएं घटती, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण, खबर नहीं कौन कारण है, लेकिन समाज को जागरूक करने के लिए सत्संग की बहुत ज़रूरत है, और सत्संग के कारण जो विवेक आएगा वो इसमें सुधार ला सकता है। बापू हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, इसलिए मर्यादा उनसे सीखी जा सकती है, रामायण से लक्ष्मण रेखा क्या है वो भी सीखी जा सकती है, और आज के समाज में, आज के युग में मर्यादा लगातार टूट रही है और लक्ष्मण रेखाएं लगातार भंग हो रही हैं, इन दोनों को हम वापस कैसे लाएं? इसलिए राम और लक्ष्मण को, इनके चरित्र को, क्योंकि उनके दिव्य चरित्र को सुनना पड़ेगा, पढ़ना चढ़ेगा और सम्यक चित्त से उसका अवलोकन करके मूल्यांकन करना चाहिए। भगवान राम की मर्यादा, उसने तो जगत में राम राज्य दिया, लेकिन मैं इन दोनों के बीच में जब कुछ बातें कहता हूँ तब कह सकता हूँ कि राम की मर्यादा है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल की रीति है कि प्राण चला जाए फिर भी वचन नहीं जाना चाहिए, ये राम की परंपरा, और वचन नहीं तोड़ना चाहिए, हकीकत है, ठीक है। लेकिन लक्ष्मण की जो परंपरा है, जो सतत साथ में रहा, वो केवल एक समांतर रेखाओं में नहीं चले, उसने जीवन के लिए, समाज के लिए, देश काल के लिए नई नई लक्ष्मण रेखा निर्मित की। तो राम की तो जय जयकार होती है दुनिया में, लक्ष्मण को फिटकार मिलता है, लक्ष्मण की आलोचना होती है। लक्ष्मण जी की आलोचना जनक महाराज ने भी नहीं की, जनक ने की, परशुराम जी तो बहुत उस पर खफा हुए, कहीं भी लक्ष्मण जी बोलते हैं तो उसके प्रति लोगों का रोष होता है। तो जो लक्ष्मण रेखा दोरेगा उसको अपमान का भोग बनना पड़ता है, लेकिन लक्ष्मण रेखा दोरना ही बड़ा साहस है, और जागृत पुरुष ही लक्ष्मण रेखा अंकित कर, इसीलिए लक्ष्मण को हम 14 साल सोए नहीं ऐसा बता रहे, इसका मतलब जागृत। तो जीवन में राम की मर्यादा और लक्ष्मण जी की सावधानी, आप दोनों होगा, और भरत का प्रेम और शत्रुघ्न का मौन आचार होगा, वहाँ किसी भी व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में, समाज के जीवन में, देश के जीवन में, कि विश्व के जीवन में राम राज्य आ सकता है।